अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूएई विजिट वीजा के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा। वो लोग जो यहाँ पाकिस्तान से यूएई आ चुके हैं विजिट वीजा लेके, यहाँ जॉब ढूंढ रहे लेकिन उनको जॉब नहीं मिली, अब वो ये सोच रहे हैं कि चलो यार अपना विजिट वीजा जो है वो रिन्यू करते हैं इन आउट करके, ठीक है। लेकिन वो कैसे होगा अभी आपको उसकी सारी मालूम दूंगा। तो आइए, बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि 3-4 महीने पहले यूएई ने पाकिस्तान के वीजे ब्लॉक कर दिए थे, किसी का वीजा लग नहीं रहा था, ठीक है। वो क्यों नहीं लग रहे थे कि जो नॉन स्किल पर्सन है उनके वीजे ब्लॉक कर दिए थे, जो स्किल पर्सन है उनके वीजे लग रहे थे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर चीज बताई है अच्छे से, ठीक है। अब क्या सीन किया है कि वो लोग जो यहाँ यूएई के अंदर आ चुके हैं, नॉन स्किल हो या स्किल हो, सुनिएगा, नॉन स्किल हो या स्किल हो, वो यूएई के अंदर आ चुके हैं। आप कहीं भी हो, आपका वीजा शारजा का है, दुबई का है, अजमान का है, कहीं का भी आपका वीजा है विजिट वीजा, ठीक है। आप यार जॉब ढूंढ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। अब आप ये सोचते हो कि यार मैं इन आउट कर लूँ, मतलब मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ, फिर वापस जाके अपना वीजा लेके फिर मैं यहाँ आऊँ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब अब थोड़ा गैप चाहिए, मतलब जैसे आप अभी आज आपका वीजा खत्म होता है, आप आज पाकिस्तान जा रहे हो, ठीक है। अब आज आप जा रहे हो तो आप कम से कम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वापस से अप्लाई करें। क्यों? अब ये कि आप पाकिस्तान ये लैंड हुए, आपने वहां जाके फॉरन से जो आपके एजेंट है उनको बोला भाई वीजा अप्लाई कर दे मेरा, ठीक है। अब उसने वीजा अप्लाई किया, वीजा रिजेक्ट हुआ, क्यों? क्योंकि सिस्टम में आ रहा है कि बंदा तो अभी तो आया है पाकिस्तान, तो वापस क्यों आना है इसको, ये एक वजह है, ठीक है। वो समझ चुके हैं कि अब लोग क्या कर रहे हैं, विजिट वीजा लेके आ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी वीजा नहीं दे रही तो क्या हो गया, दो महीने काम किया, सैलरी ली, पाकिस्तान के इन आउट किया, वापस आ गए, फिर जॉब कंटिन्यू करें, ठीक है। अब ऐसा यूए की जो हुकूमत है उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। जो लोग अभी यहाँ से वापस जाने का सोच रहे हैं, अब वो ये सोच के जाएं कि भाई मैं जाऊंगा तो मैं 2 महीने का गैप करके ही मैंने वापस आना है, जाते साथ वीजा नहीं लगा तो पैसे मेरे जाया हो, ये बात अपने माइंड में रखना, ठीक है भाई। ये नहीं है कि अभी आप जाओ बोलो नहीं 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 मुझे वापस आना है, ऐसा नहीं है। दूसरा इसका रास्ता मैं आपको बता देता हूँ कि भाई फ्रीलांस का वीजा ले लो, किसी से भी ले लो लेकिन ले लो, अगर आपने यहाँ रहना है, नहीं तो फिर वापस जाओगे तो 2 महीने का गैप आपको लाजमी चाहिए, ठीक है। ये अपडेट है, अभी किसी ने ये अपडेट नहीं दी मेरे पास, अभी अभी ये 1 घंटा पहले आई है। मैंने कहा इसके लिए आप लोगों को बता दूं, वो हजरात जो यहाँ बैठे हुए, अब यही वीडियो आप अगर 1 महीने बाद देखोगे उस टाइम तक कानून चेंज हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा या हो चुका होगा मुझे इलम नहीं है, लेकिन अब 1 महीने बाद देखने वाला बंदा मुझे अगर कॉन्टेक्ट करता है फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो भाई उस टाइम जो कानून होगा मैं उस मुताबिक आपको बता दूंगा, नहीं तो मेरी कोई न्यू वीडियो आई जाएगी। तो गाइस ये मालूम थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं, नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन भाई कॉल नहीं करना क्योंकि वीपीएन मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। वीपीएन लगाने का मतलब होता है फ़ोन की MCBC करना, वो मैं नहीं चाहता। आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, जस्ट अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे आप भेज दो, जितनी बड़ी है 10 मिनट 20 मिनट मैं सुन के आराम से आपको उसका आंसर दे दूंगा जो उसका आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस ये छोटी सी मालूम थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह आने के बाद।